हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला किमचो, महेश भाई कैसे? जय बजरंग बली, कैसे आप सब? ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग सोच होंगे इस वक्त हम कहाँ पे बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। तो हम कराची के एक एरिया में कहीं बैठे हुए हैं और हमारे साथ छोटा है। छोटा अपना नाम खुद बताएगा। सुमित आहूजा इनका नाम है और स्केच आर्टिस्ट हैं ये बेसिकली। तो थोड़ा सा छोटे अपने बारे में बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी क्लास 9 में हूँ, बीवीएस स्कूल। हॉबी स्कूल में? बीवीएस पारसी स्कूल भाई, काफ़ी कराची का बड़ा फेमस स्कूल है। और हमारे पिछली एक वीडियो में आपने सुना भी होगा, माना साहब भी बता रहे थे कि वो भी इसी स्कूल से पढ़े। अच्छा, तो क्या एक्टिविटीज़ हैं और स्कूल के अलावा? हॉबीज़ ये हैं कि मतलब फुटबॉल खेलना और गेमिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। गेमिंग में? अच्छा, स्केचिंग वगैरह कब से कर रहा है? स्केचिंग वगैरह क्लास मतलब 5 से, क्लास 5-4 से, मतलब 3-4 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ इनके पास जो बनाए स्केच वगैरह वो भी आपको थोड़े से दिखाते हैं। पहले ये बताइएगा, ये कुछ स्केच इन्होंने बनाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ये बस ड्राइंग है, मतलब एक शीशे के टुकड़े में एक लड़की रो रही है। अच्छा, ये बाकी एक मतलब वाइब्रेशन ना होगा, मतलब हमारे रिलीजन में एक। अच्छा, ये अराउंड द वर्ल्ड जो मतलब रिलीजन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक ये देखें भाई, डिफरेंट रिलीजन्स के जो है मतलब साइंस वगैरह कह लें या। अच्छा, बाकी ये एनिमल स्केच है। ये एनिमल स्केच और ये सिगरेट से रिलेटेड है। सिगरेट से रिलेटेड है, सिगरेट लंग्स को यूँ डैमेज करता है और अगर नहीं पीते तो मतलब ज़िंदगी अच्छी होती है। स्मोकिंग किल्स। और इसके अलावा ये कार्टूनिश टाइप थोड़ा ड्राइंग है और ये गेमिंग से रिलेटेड। अच्छा, ये पबजी लवर्स के लिए भाई, पबजी खेलते हो? हाँ, खेलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक ड्राइंग है जिसमें आँख है, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर एक मतलब लड़की और लड़का है। अच्छा, और ये COVID-19 से जो बीच में आया था उससे रिलेटेड है सारा। अच्छा, एक मतलब पोस्टर टाइप है। अच्छा जी, सिम्टम्स वगैरह और दूसरी डिटेल्स हैं इसमें। सही, ये हैंड स्केच। हैंड स्केच, इसके अलावा ये एक लाइट बल्ब। एक और स्केच था आपका मुझे ख्याल में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक ये भी है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा ये भी दिखा दो, ये भी है। इसमें मतलब दो साइड हैं, एक कलरफुल, एक इन ब्लैक एंड वाइट है। तो काफ़ी स्केच हैं बहरहाल ये के जी। ये भी आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी हैं। ये मार्कर ड्राइंग है। मार्कर ड्राइंग, अच्छा। एंड ये पेंसिल स्केच, तो मतलब पेंसिल स्केच करते हो, स्केचिंग जो करते हो आप ज़्यादा? अच्छा, तो पेंसिल स्केचिंग आप ज़्यादा करते हो। अच्छा, तो कैसे मतलब किस तरह ये सीखे, कैसे हो आप ये बताओ? सीखा YouTube, ज़्यादातर तो आजकल YouTube पे लोग काफ़ी। अच्छा, काफ़ी सीख जाते हैं लोग YouTube से। तो भाई YouTube से ये चीज़ भी सीख सकते हैं, बड़ी बात है। तो कौन सा कोई चैनल वगैरह कोई है? चैनल बहुत सारे, एक तो फरजाना ड्राइंग अकेडमी है, एक ये चैनल है, एक सौरभ जोशी आर्ट्स है, वो भी काफ़ी फेमस है, तो सिखाते हैं सही से। सही, तो आगे क्या है इरादा, इसको कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू स्टडीज़ के साथ साथ। स्टडीज़ अभी जैसे डिफ़िकल्ट होती जा रही है, ट्राई तो करते हैं कि मतलब कंटिन्यू करते रहें, कोशिश पूरी रहेगी। और फेस स्केच वगैरह आप किया आपने कभी? नहीं, फेस स्केच इतना नहीं किया, कभी नहीं किया, इतना नहीं किया। तो भाई हम जो है आज हम कोशिश करेंगे। महेश भाई, पिक्चर कहाँ है? ये मोबाइल दिखाइएगा। हमने एक पिक्चर निकाली है अलू अर्जुन की ना, हम कोशिश करेंगे इनसे। इन्होंने कह रहे हैं कि कभी बनाया नहीं है लेकिन ट्राई कर सकते, तो ट्राई में तो अब देखें क्या चीज़ बनती है नहीं बनती। तो ये अलू अर्जुन की एक पिक्चर है, जो हम इनको जो है कहेंगे तो ये बनाएंगे। और टाइम भी थोड़ा सा है क्योंकि ज़ाहिर है ये भी इनके जो स्टडी वगैरह और दूसरी चीज़ें भी हैं। हम सडनली इनके पास आए थे तो हमने कहा यार जो है काफ़ी दिन से बोला था लेकिन ये स्टडी में अपने बिजी थे, तो आज इन्होंने फाइनल टाइम दिया। तो हम कोशिश करते हैं, अगर ये फेस कभी बनाए नहीं है फेस कभी, उसमें क्या डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें? स्केचिंग में मतलब टाइम काफ़ी लगता है, उसके अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग पेंसिल। अच्छा, होती है उसमें, शेडिंग मतलब हर चीज़ अलग होती है। तो स्केच बनाने में क्या चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है? स्केच बनाने में ये है कि मतलब आपकी मतलब प्रिसिजन है उसमें, मतलब आँख नाक हर चीज़ मतलब सही हो उसमें, मतलब उसकी मतलब सही से आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं जिसमें आपको मतलब टीचर सिखाते हैं आपको इस तरीके से करना है, पेंसिल के स्ट्रोक्स यूँ करना है, शेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए। और अगर हम दोनों महेश भाई और मैं जो है हम सीखना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब अगर स्टार्ट करें हम, बिगनिंग जो उसके बिगनर के लिए क्या करना चाहिए? एज अ बिगनर तो आप यूट्यूब पे सर्च करें आप कि मतलब बिगनर शेडिंग कैसे करते हैं, स्ट्रोक कैसे करते हैं और मतलब लाइंस कैसे मतलब सही कैसे खींचते हैं हर चीज़।
और ये क्या, इसको क्या कहा जाता है जिस पे स्केच बनाया जा रहा है बेसिकली? पेपर कौन सा पेपर कहलाता है? ये ड्राइंग पेपर होता है। अच्छा, ड्राइंग पेपर नॉर्मल होता है, ठीक है। तो वैसे जो है बड़े जो आर्टिस्ट हैं, मतलब पेंसिल स्केचिंग इजी है या दूसरे जो है नॉर्मल मार्कर वगैरह से भी की जाती है? मार्कर वगैरह से की जाती है, तो ड्राइंग आपने एक दिखाई भी थी, तो वो इजी है या टाइप होता है? सब में मेहनत तो लगती होगी। मेहनत सब में लगती है। सही। अच्छा ये बताओ, स्कूल के बारे में अगर पूछूं, BVS पारसी स्कूल कैसा स्कूल है? मतलब स्कूल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, पढ़ाई काफ़ी टफ है। टफ मतलब है। बाकी स्कूल से मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मतलब अच्छा खासा पढ़ाते हैं। तो भाई अच्छा हम लोग कभी अपना स्केच भी इनसे बनाएंगे अगर ये कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। बाकी आज जो है हम इनसे अल्लू अर्जुन का बनवाते हैं। अब ये कि छोटा है, एज कितनी है आपकी? एज 14 ईयर्स है। तो भाई ये ट्राई करेंगे, अब देखते हैं कैसा बनता है नहीं बनता, लेकिन अप्रिशिएट ज़रूर फिर भी कीजिएगा। और ये है कि हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए कि ये जो है। और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करते हो? एक्टिविटी पबजी खेलते हो जैसे बता रहे? हाँ, पबजी खेला है। बाकी फुटबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट है, अकेडमी भी ज्वाइन की फुटबॉल। अच्छा, और मंदिर वगैरह जाते हो? नहीं, मंदिर वगैरह जाते हैं। हाँ, कब जाते हो? हर मंडे जाते हैं, शिव मंदिर। अच्छा, शिव मंदिर, क्लिफ्टन मंदिर, ठीक है ना। अच्छा, दिवाली वगैरह का बताओ, कैसे मनाते हो? दिवाली वगैरह बस बिल्डिंग में ग्राउंड है, अपनी सारी फैमिली होती है, दोस्त होते हैं, पटाखे वगैरह फाड़ते हैं। पटाखे मना तो नहीं करता कोई? नहीं, मना क्यों करेंगे दिवाली। अच्छा, है पक्की बात? पक्की बात है। और स्कूल में किस तरह फ्रेंड्स वगैरह के साथ कैसे है? और भी मतलब आपके जो है मुस्लिम फ्रेंड भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, डिफरेंट होंगे? हाँ, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, स्कूल में मतलब सब लोग यूँ हैं, रिलीजन वगैरह के कभी इस तरह को नहीं होता? वो कभी नहीं करते। चलो अच्छी बात है। तो बस हम जो है आते हैं अपने असल मकसद पे, जिसके लिए हम यहाँ इनके पास आए, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई छोटे ने ट्राई अच्छी की है, और दिखाएं ज़रा ये स्केच, दिखाएं। आप लोग ने देखा होगा इनको बनाते हुए भी, तो वो जो पिक्चर थी मतलब उसी हिसाब से, क्योंकि उसमें अल्लू अर्जुन की मूछें भी हैं तो उसी हिसाब से उन्होंने बनाया है। तो अब जाहिर है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ट्राई में मैं कहूँगा महेश भाई, माइक बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब इन्होंने जो कोशिश की है ना उसके हिसाब से नंबरिंग देनी चाहिए। हम भी क्योंकि झूठी तारे हम भी नहीं करेंगे, झूठी तारे करनी भी नहीं चाहिए। जो फेस और वो पूरी सब चीज़ें जो है ना, कि क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर जो है एक वे में वो अच्छे से बनाया। बाकी है जाहिर है फर्स्ट ट्राई थी, तो क्या कहोगे आप, फर्स्ट ट्राई कितना थोड़ा सा मुश्किल हुआ? मुश्किल तो हाँ काफ़ी था, पर फर्स्ट ट्राई मैं ये भी कर सकता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूव हो सकता हूँ मैं, वो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करो। और देखो इन्होंने आधे घंटे में, मैक्सिमम आधा घंटा इनको हाफ आवर लगा है ये बनाने में, तो आधे घंटे में अगर उन्होंने ये चीज़ बना ली है, तो ये अगर मेहनत करें और स्टडी के साथ अगर इनको टाइम मिलता रहेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। मैं एक बात मैं और कहूँगा कि अल्लू अर्जुन साहब के एक फिल्म है मिस्टर परफेक्ट, तो हमारा सुमित भी मिस्टर परफेक्ट हो सकता है। हाँ, हाँ। और आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स भी थे जो आपको मिले? वो ये जब मैं क्लास 3 में था, ये टप का सर्टिफिकेट है, इसमें आर्ट बीट कॉम्पिटिशन थे, आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी थी। फ्री हैंड मतलब आपको जो भी आपको दिमाग में आपको वो बनाना था, इसका सर्टिफिकेट है। बाकी ये कोलगेट हर साल अपना वो रखता है, कॉम्पिटिशन रखता है। कोलगेट का, कोलगेट को कोलगेट का कोलगेट रखता है अपना कॉम्पिटिशन। इसमें मतलब आपको मतलब आपने क्या बनाया था इसमें? इसमें टीथ से रिलेटेड, टूथपेस्ट एंड ब्रश वगैरह से रिलेटेड। और ये अपना एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, कि आजकल एनिमल क्रुएल्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एनिमल को प्रोटेक्ट कैसे करें एनिमल्स के लिए, ये सर्टिफिकेट था। अच्छा, तो ये भी स्कूल का ही है आपके? ये सारे स्कूल के हैं। अच्छा अच्छा, ये और ये कौन है? मुनीर मूसा सेवानी, पीटा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, पूर्व जोशपुरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहरहाल तो भाई ये सर्टिफिकेट्स हैं छोटे के।
तो भाई होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के हम टैलेंट, हमारी कोशिश होती है हमेशा आगे लाते रहें। तो आप क्या कहना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबको सपोर्ट करें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, अपने अंदर का भी टैलेंट आप लोग ढूंढें और मतलब फाइंड करें कि आप लोग भी क्या कर सकते हैं ऐसा। और यूट्यूब वगैरह चैनल वैनल का है इरादा कुछ? चैनल का इरादा है, गेमिंग का लग रहा है, गेमिंग का इरादा है कि अभी गेमिंग का बनाएंगे, पर भी स्टडी से अगर फ्री हो तो करेंगे। सही, तो भाई बताइएगा छोटे को, इसके जो है कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा सुमित आहूजा। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के आए नीचे जो है सुमित आहूजा लिखा हुआ रहे, तो फिर इनको जो है कमेंट कीजिएगा ताकि इनको और ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिले। और ये और हम तो ये कहेंगे कि ऐसे टैलेंट ज़्यादा और भी आ जाए, क्योंकि अभी सुमित की एक पेंटिंग हमने देखी है, हो सकता है कुछ दिनों में ये हमने जो तस्वीर दी है KGF की तरह वो बन ली। तो हमने सर का भी कहा है और महेश बाबू के भी हमने पिक्चर्स किए, आप देखते हैं कि इनको कहा है कि भाई इनमें से किसी को आगे चल के एक दो महीने में आपने कोई परफेक्ट अच्छी चीज़ हमें बना के देनी है, तो वो हम अपने ऑफिस में हम फ्रेम करके लगवाएंगे और आप लोग से सबसे ज़रूर जाएंगे। ये भी सिर्फ आधे घंटे में अल्लू अर्जुन साहब की अच्छी सी पिक्चर उन्होंने वो कर दी।